मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक दो रेखाओं के मध्य कोण को ज्ञात करना सीखेंगे। जब दो रेखाएं सदिश रूप में दी हों तो उनके मध्य का कोण ज्ञात करना, और जब रेखाएं कार्तीय रूप में दी हैं तो उस स्थिति में भी दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना। सबसे पहली स्थिति, यदि दो रेखाएं सदिश रूप में दी हैं तो दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना। रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b1 और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर b2, ये हमारी पहली और दूसरी रेखाएं हैं। इन दो रेखाओं के मध्य यदि हमको कोण ज्ञात करना है, यदि इन दो रेखाओं के मध्य का कोण थीटा है तो थीटा निकालने के लिए हमारा सूत्र है कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान मॉड वेक्टर v1 इंटू मॉड वेक्टर b2। तो इस फार्मूले से कॉस थीटा और कॉस थीटा से फिर हम थीटा का मान निकाल लेते हैं जो कि दो रेखाओं के मध्य का बना हुआ कोण होगा। यदि दो रेखाएं यानी जो दोनों रेखाएं दी हुई हैं, यदि दोनों रेखाएं लंब हैं तो उनके लंब होने का प्रतिबंध है वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इक्वल टू 0। यदि वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90° होगा। समांतर होने का प्रतिबंध वेक्टर b1 इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर b2, जहां लेमडा एक अदिश राशि है। तो यदि वेक्टर b1 और वेक्टर b2 में जो हमारे ij के गुणांक हैं उनका अनुपात समान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। अब यदि दो रेखाएं कार्तीय रूप में दी हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं के मध्य का कोण निकालने के लिए फार्मूला, तो दो रेखाओं के मध्य कोण जबकि दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में हैं, पहली रेखा x-x1/a1 इक्वल टू y-y1/b1 इक्वल टू z-z1/c1 और x-x2/a2 इक्वल टू y-y2/b2 इक्वल टू z-z2/c2। तो ये कार्तीय रूप में दो रेखाएं दी हैं, इन दो रेखाओं के मध्य यानी बीच का कोण हमको निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1² प्लस b1² प्लस c1² इंटू अंडर रूट a2² प्लस b2² प्लस c2². दोनों रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध है यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। समांतर होने का प्रतिबंध, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 प्राप्त हो जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अब हम इन्हीं दोनों स्थितियों में दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करेंगे। एक स्थिति जब दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में हैं और दूसरी स्थिति जब दोनों रेखाएं सदिश रूप में हैं। तो देखते हैं, जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया है, पहले प्रश्न में लिखा है रेखाओं x+4/3 इक्वल टू y-1/5 इक्वल टू z+3/4 और x+1/1 इक्वल टू y-4/1 इक्वल टू z-5/2 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दी हुई रेखाओं के जो द्विक अनुपात हैं, पहली रेखा के द्विक अनुपात क्रमशः देख रहे हैं। पहली रेखा में द्विक अनुपात हमारे 3, 5, 4 और दूसरी रेखा में 1, 1, 2। तो पहली रेखा के द्विक अनुपात a1 b1 c1
तो देख रहे हैं पहली रेखा के द्विक अनुपात हमारे 3 5 4 3 कामा 5 4 और दूसरी रेखा के द्विक अनुपात 1 1 2। तो ऐसी स्थिति में देखें तो ए वन बी वन सी वन और दूसरे में हमारा ए टू बी टू और सी टू। अब दो रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा है तो फिर हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा इक्वल टू ए वन बी वन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपान अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। अब इसी में हमको मान रख लेना है ए वन देख रहे हैं 3 दिया है इंटू ए टू 1 है तो 3 इंटू 1 प्लस बी वन बी टू 5 इंटू 1 प्लस सी वन सी टू 4 इंटू 2 अपान अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने पर प्राप्त होगा कॉस थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 2 8 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। सरल करेंगे तो 5 3 8 प्लस 8 मिल करके 16 मिल जाएगा और अंडर रूट 25 और 16 9 25 25 और 25 मिल करके 50 इंटू अंडर रूट 4 2 6। तो इस प्रकार से यदि देखें तो 16/50 हमारा 25 × 2 तो 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा इंटू और 2 6 × 12 यानी 4 3 12 4 का वर्गमूल भी 2 बाहर कर लें तो 2√3। आप इसको सरल करेंगे 2 से 16 काट देंगे तो 2 8 16। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये हमारा 8/5√3 मिलता है। और यदि हम हर का परिमेयीकरण करें तो हर की संयुग्मी संख्या यानी हमारा 8/5√3 है। तो यदि हम √3 का गुणा और भाग कर लें तो यही हमारा मिल जाएगा 8√3 और √3 √3 हमारा 3 और 3 5 15 तो 8√3/15। तो ये हमारा कॉस थीटा का मान है। थीटा बराबर लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा कॉस इनवर्स 8√3/15 8√3/15। तो इस प्रकार से ये हमारे थीटा का मान होगा अर्थात यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8√3/15। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है अगले प्रश्न में कह रहा रेखाओं विक्टर आर इक्वल टू 3i + 2j - 4 के प्लस लेमडा इंटू i + 2j + 2 के और विक्टर आर इक्वल टू 5j - 2 के प्लस म्यू 3i + 2j + 6 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो रेखाएं सदिश रूप में दी हैं और इन दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। मान लेते हैं माना दोनों रेखाओं के मध्य का कोण थीटा है। तब ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं के मध्य के का कोण का सूत्र है कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर बी वन
डॉट वेक्टर वी टू अपान मॉड वी वन इनटू मॉड वी टू, इसी में हम मान रख देंगे। पहली रेखा के समीकरण में यदि देखें, पहली रेखा में अगर हम इसके मानक रूप से तुलना करें तो दिया है वेक्टर आर इक्वल टू, हम जानते हैं वेक्टर आर इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन, और दूसरा वेक्टर आर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी टू होता है। तो यहाँ पर बी वन का मान आई प्लस टू जे प्लस टू के, जबकि वेक्टर बी टू हमारा थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के है। तो वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू के हम मान रख लेते हैं, तो यही हमारा मिल जाएगा। वेक्टर बी वन के स्थान पर आई प्लस टू जे प्लस टू के आई प्लस टू जे प्लस टू के डॉट वेक्टर बी टू है थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के अपान माड बी वन। वेक्टर बी वन का मापांक लिखना है तो आई का गुणांक वन का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक टू का स्क्वायर इन प्लस टू का स्क्वायर इंटू माड वी टू। माड वी टू का मान अगर देखें तो ये हमारा दिया है तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर। सरल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वन इंटू थ्री थ्री मिल जाएगा, प्लस टू इंटू टू फोर मिल जाएगा, प्लस टू इंटू सिक्स तो छः दुनाई बारह अपान अंडर रूट वन का स्क्वायर वन प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू का स्क्वायर फोर इंटू अंडर रूट तीन का स्क्वायर नौ प्लस दो का स्क्वायर चार प्लस छः का स्क्वायर छत्तीस। सरल करेंगे तो सरल करने पर कॉस थीटा इक्वल टू, अंश में अगर देखें तो अंश में हमारा मान तीन प्लस चार प्लस बारह, यानी बारह चार सोलह, सोलह तीन उन्नीस बटे अंडर रूट देखें तो ये हमारा चार चार आठ एक नौ इंटू नौ चार तेरह, और तेरह छत्तीस जोड़ना है तो छत्तीस तीन उनतालीस दस उनचास, तो नौ गुणे उनचास इसका वर्गमूल ले लेंगे तो यही मिल जाएगा उन्नीस बटे नौ का वर्गमूल तीन और उनचास का वर्गमूल सात। तो उन्नीस बटे सात्रिक इक्कीस, उन्नीस बटे इक्कीस प्राप्त होता है। और थीटा बराबर लिखेंगे तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स उन्नीस बटे इक्कीस, यही हमारा दो रेखाओं के बीच का अभीष्ट कोण है, यही हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो दो रेखाओं के मध्य कोण निकालने के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।